नीलेश जी बताइए आपको क्या पसंद है, कोई दमदार दो पिक बता दीजिए। हाँ बिल्कुल जी, देखिए खरीदारी पर ही लगातार फोकस बना हुआ है और खरीदारी की सलाह होगी सबसे पहले केमिकल इस बास्केट में लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो SRF इसे खरीदने की सलाह होगी। एक बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 2750 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 2600 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली है और इंटरेस्टिंगली अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो 14.5% का OI इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। SRF को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक रडार पर आ रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओवरऑल PSU बैंकिंग स्पेस में इस पर्टिकुलर काउंटर में थोड़ी सी बढ़त एक्सटेंड हो सकती है। 785 से लेके 795 तक के टारगेट के लिए SBI को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा लगभग 761 के आसपास का। तो SBI और SRF ये दोनों स्टॉक्स होंगे लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। तो SBI और SRF पसंद आता हुआ नीलेश जी को, बढ़ते हैं आगे। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए दो स्टॉक तो है ही, पहले की मैंने दोनों की लगभग चर्चा कर ली है। BTSC के ट्रेड के हिसाब से भी अच्छे लग रहे हैं और इमीडिएट टारगेट के हिसाब से भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन साथ में एक और एड ऑन भी आपको दूंगा। पहला इस समय पेट्रोल एंड LNG बाय कर लीजिए, 305.6 के पास टारगेट है 320 रुपए का और स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है 300 रुपए का। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो वो है IOC, इस समय 173 के पास चल रहा है, बाय के लिए अच्छे सेंटिमेंट दिखा रहा है, मुझे लगता है यहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। और तीसरा एक और चीज यहां पर आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा, देखिए इस समय आपने निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ तो फोकस किया ही किया है, लेकिन आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स पे भी फोकस करें। इस समय एक ऑप्शन कॉल अच्छा खासा नजर आ रहा है, वो है बैंकेक्स का 55-200 का कॉल, 330 रुपए के पास चल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 15 अप्रैल वाला ये कॉल बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 450 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 280 रुपए का। तो बोनस भी आपको दे दे रहे हैं और मुझे लगता है कल मार्केट बंद है लेकिन परसों जब खुला है तो फिर ये अग्रेशन आपको दिखाई देगा, तो फोकस रखें इनमें भी अच्छा खासा मोमेंटम। लगातार सेक्टर स्टॉक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी में दो अहम स्टॉक की बात मैं अब करने वाला हूं। पहला स्टॉक लेकर आइए बायोकॉन। हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेजी यहां पर नजर आ रही है, 3.25% की तेजी हमें बायोकॉन में इस वक्त नजर आती हुई। अब दूसरा स्टॉक इसलिए भी रडार पर रखना आवश्यक है क्योंकि यहां पर हमने एक अच्छी रैली देखी थी, लगातार बुलिश नज़रिया था, पॉजिटिव नज़रिया था, लेकिन हाल फिलहाल एक ऐसा करेक्शन आया जिसमें हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी। हालांकि आज रिकवरी हम देख रहे हैं संवर्धना मदरसन में। जी हाँ, आज हम देख रहे हैं कि 0.25% की रिकवरी यहाँ पर है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इस पर दबाव भी हमने देखा। एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पर हमने करेक्शन आता भी देखा। तो संवर्धना मदरसन और बायोकॉन, इन दोनों पर जरा रवि राय दीजिए। देखिए इस समय सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बायोकॉन की, चूंकि आप उसकी पहले चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो लेवल्स हैं इनको एग्जिट होने के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक की अगर पीछे की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत कुछ परफॉर्मेंस में अट्रैक्शन नहीं दिखाई दिया है और कंसोलिडेट ज्यादा करता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिया है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ले रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे अग्रेसिव रिटर्न नहीं देने वाला। तो मुझे लगता है 280 285 ये लेवल्स जो आते हैं इन पे आप एक बार को एग्जिट की राय बनाइए। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं दोबारा दूसरे जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पेट्रोनेट LNG की बात की थी, HPCL की बात की थी, BPCL की बात की थी, उनमें आप यहां पर अपनी पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इस समय मदरसन को भी देखते हैं तो उसमें भी कुछ हालात ऐसे ही हैं और आपने बिल्कुल क्लियर बोला कि ये पुल बैक आया है लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 118 120 125 मैक्सिमम दिखाई देगा, उनके आसपास आते ही स्टॉक थक जाएगा। तो बेटर है कि हम अपनी पोजीशन को स्विच कर लें किसी दूसरे स्टॉक्स में। आप दूसरे स्टॉक की तरफ जाते हैं तो आज चूंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ज्यादा अच्छी चल रही हैं तो आप IOC इसके पास आसपास ले सकते हैं। अगर आप IOC में नहीं जाना चाहते हैं, इससे दूसरे स्टॉक्स में जाना चाहते हो तो अभी हमने NMDC की चर्चा करी, आप उसको खरीदारी कर सकते हैं। तो दो अनदर ऑप्शंस हैं लेकिन बट फिलहाल इन दोनों काउंटर से एक बार एग्जिट होने की राय। तो दोनों ही काउंटर्स में संवर्धना मदरसन और बायोकॉन दोनों पर ही एग्जिट की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए केमिकल सेक्टर में आज जो तेजी है वो देखने लायक है और
केवल एक स्टॉक का आके मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि दिन भर आज ना बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स की चर्चा हो चुकी है। यूपीएल आपके सामने लेकर आऊंगा। आज हम देख रहे हैं कि 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें नज़र आ रही है यूपीएल में, और इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ एक दूसरे स्टॉक को, गेल को। गिरावट नज़र आ रही है, हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 7.25% आगा भी है ये स्टॉक का। तो गेल इंडिया और इसके साथ ही यूपीएल, इन दोनों पर नीलेश जी आपसे व्यू चाहेंगे, बताइए कोई ट्रेड बन रहा है क्या? प्रशांत जी देखिए, एक ट्रेड यूपीएल में बनता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर ने काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया है, मल्टीपल सपोर्ट इस पर्टिकुलर काउंटर ने लिया लगभग 450 के आसपास, और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है विद गुड वॉल्यूम, और 500 के लेवल ब्रीच हुए हैं और ऊपरी स्तरों पर 520 और 530 तक के लेवल के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ी सी डिप मिले तो रिस्क के रिवॉर्ड और भी फेवरेबल होंगे। 495 का स्टॉप लॉस होगा, 520 तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से होगा, बट मेरे ख्याल से अगर 500 के ऊपर अगर ये टिकता है तब 540 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल इस पर्टिकुलर काउंटर में भी लगातार हम एक तरफा तेजी देख रहे हैं, एक सेकुलर अपट्रेंड में रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, और अगर थोड़ी और मुनाफा वसूली यहाँ पे होती है तब ये एक अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड नजर आएगा। 195-198 के जोन में अगर ये आता है तब वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं, 190 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। काउंटर में पोटेंशियल है कि 220 और 230 तक के लेवल ऊपरी स्तरों पर दिखा सकता है, तो स्ट्रक्चर वाइज दोनों स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। दोनों स्टॉक में खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन चलिए एक अहम डेटा है आपको बता दें, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की तरफ से ये डेटा जारी किए गए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर। 31 मार्च तक एसआईपी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 10.72 लाख करोड़ हो गया है, तो ये अहम डेटा 31 मार्च तक का डेटा एसआईपी एयूएम का आपके स्क्रीन पर ये चल रहा है, 10.72 लाख करोड़ का ये एसआईपी एयूएम हो चुका। हमारे साथ नीलेश जैन जी भी है, एमसीएक्स पर बातचीत कर लिए, एमसीएक्स में जबरदस्त तेजी, 5% ऊपर है, क्या लग रहा नीलेश जी यहाँ पर नॉन एग्री सेगमेंट में जबरदस्त तेजी दिख रही है, उसका फायदा क्या एक्सचेंज को मिल रहा है, आगे भी तेजी कंटिन्यू होगी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल देखिए, लगातार यहाँ पे तेजी हमें पिछले कुछ एक दिनों से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल के सेशन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, और एक बेहतरीन ब्रेकआउट के चलते अभी भी मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर पर 4000 प्लस के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है बने रहने की सलाह होगी। अगर कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव से जाना चाहता है तो मैं कहूंगा थोड़ी सी डिप मिले तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओवरऑल सारे ही एक्सचेंज शेयरों में लगातार हमने तेजी देखी है। जहां तक एमसीएक्स की बात है, 4000 के मिनी टारगेट और पोजिशनल टारगेट मेरे ख्याल से 4200 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 3820 का स्टॉप लॉस रख के कोई भी डिप मिले तो एमसीएक्स में लॉन्ग पोजिशन बना के चल सकते हैं। अपने दोनों एक्सपर्ट से एक बार हम उनका डिस्क्लेमर ले लेते हैं। रवि, सबसे पहले आप बताएं। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है मेरे क्लाइंटों के ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, लेकिन मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। ठीक है नीलेश जी, आप भी अपना डिस्क्लेमर दें। बिल्कुल देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं हमने हमारे क्लाइंट को सुझाए हो सकते हैं, बट हमारी पर्सनल कोई भी निवेश नहीं होता। ठीक है,